सीएसके वर्सेस पंजाब का दोपहर का मैच था धर्मशाला में, और हम सबको पता है कि धर्मशाला का ग्राउंड बहुत ही छोटा है, लेकिन पिच रिपोर्ट इतना बिजार था। पिच रिपोर्ट करने आता है ब्रायन लारा और ग्रेम स्वान, और दोनों कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स को नए बॉल से मदद मिलेगा, लेकिन स्पिनर्स के लिए इस ग्राउंड पे कुछ भी मदद नहीं है और बहुत ही हाई स्कोरिंग पिच है। ऋतुराज गायकवाड मैच के बाद एग्जैक्टली ऑपोजिट बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम जब बैटिंग करने गए थे हमें पता लग गया था कि 160 170 विल बी अ गुड स्कोर, और सैम करन भी सेम चीज कहता है कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा स्लो निकला है पिच, और बाउंस भी बहुत कम था। मतलब पिच रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा बिजर था। आप टॉस तो आपको पता ही है सीएसके का, 11 में से 10 टॉस हार चुका है ऋतुराज। पंजाब टॉस जीत के फील्डिंग चुनता है, और पंजाब का प्लेइंग 11 सेम था। अब हमें पता है कि फीस फर्स्ट मई के बाद हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, और कल दोपहर को पता लगा कि पाथिराना भी श्रीलंका वापस जा चुका है। एक तो पूरे टूर्नामेंट से कॉन्वॉय पहले से बाहर है, और कॉन्वॉय जो बाहर है उसका नतीजा हर एक मैच पे पावर प्ले में रिफ्लेक्ट होता है। आप पावर प्ले का स्कोर देख के बोल लोगे कि एक बड़ा बैट्समैन मिसिंग है सीएसके में से, वो है कॉन्वॉय। ऊपर से जहां बात दीपक चहर का हो, दीपक चहर लास्ट 2 साल बहुत ही एक्सपेंसिव था और ज्यादा विकेट नहीं लेता है, तो दीपक चहर का जो रिप्लेसमेंट आया है कल सिमरजीत सिंह, वो बेटर रिदम में लगा है, और फिस के जगह सेंटर प्लेइंग 11 में आ गया था फाइनली। अब ओपनिंग करने आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे, और हम सबको पता है क्या होने वाला है, क्योंकि 10 मैच पे वही हुआ है, कल भी यही होने वाला था। रहाणे अर्शदीप की पहली ओवर पे फुल लेंथ की बॉल थोड़ा सा फ्लिक करने का ट्राई करते हैं, फंस गया था रहाणे, एक्चुअली शायद फ्रंट फुट का बॉल था, वो बैक फुट पे चला गया और कैच आउट। रहाणे, आप कहोगे कि रहाणे को सीएसके ड्रॉप क्यों नहीं करता, आप मुझे ये बताओ कि हम रहाणे को ड्रॉप कर देंगे तो ओपनिंग किससे करवाएंगे, फिर हमको मोइन अली को ड्रॉप कर से फिर से रचिन को वापस बुलाना पड़ेगा कि रचिन और रुतु ओपनिंग करेगा, तो मोइन अली की जगह अगर रचिन को बुलाएंगे तो रहाणे की जगह मिडल ऑर्डर पे रिजवी को आना पड़ेगा, और रचिन और रिजवी दोनों ही बहुत इनएक्सपीरियंस है, और दोनों दोनों से हमको सबका ट्रस्ट इशू है, इतना ट्रस्ट नहीं देते, इतना इनएक्सपीरियंस है दोनों, रचिन और रिजवी, तो शायद बड़े मैच पे उतना ट्रस्ट नहीं देते दोनों। इसलिए आपको पता है कि सीएसके का हिस्ट्री है कि वो एक्सपीरियंस को बैक करता है, और मुझे लगता है कि शायद रहाणे खेल जाएंगे, जितने भी मैचेस हम खेलेंगे सारे मैचेस शायद रहाणे खेल जाएंगे, और उम्मीद करते कि वो फॉर्म पे आ जाए। अब डेरेल मिचर आता है, बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग करता है, लेकिन ऋतुराज पावर प्ले के फर्स्ट 5 ओवर में बहुत ही ज्यादा स्लो था, 11 बॉल पे 10 रन। ऋतुराज उस कैलिबर का प्लेयर नहीं है, वो इससे बेटर कर सकता है, लेकिन पता नहीं वो फर्स्ट 10-12 बॉल क्यों देख के खेलता है, क्योंकि 5 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर था सिर्फ 41, और मुझे लगा कि और एक बिलो एवरेज पावर प्ले जाएगा हर एक मैच की तरह, लेकिन पावर प्ले का लास्ट ओवर डाल जाता है हरप्रीत ब्रार। दूसरे बॉल पे ऋतुराज आगे आके एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाता है, उसके बाद 2 चौका लगाता है, और इस ओवर के लास्ट बॉल पे डेरिल मिचेल एक चौका लगाता है, इस ओवर पे 19 रन आता है, तो पावर प्ले के बाद सीएसके का स्कोर होता है 64-1, और लगता है कि बेहतरीन पावर प्ले गया है, लेकिन सच ये भी है कि बस पावर प्ले का लास्ट ओवर अच्छा गया था हमारे लिए। अब लास्ट मैच का हीरो राहुल चाहर 8 ओवर डालने आता है, और मुझे लगा फिर से एक गेम टर्निंग मोमेंट था, ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस था राहुल चाहर से, तब तो यही लगा था। पहले बॉल पे ऋतुराज गायकवाड़ आउट, वाइड डिलीवरी कट करने का ट्राई करते हैं, आराम से कट कर सकते थे, एज और जितेश के लिए इजी कैच। अगले बॉल पे शिवम दुबे पहले बॉल पे आउट, फिर से मुझे लास्ट मैच का फ्लैशबैक आ गया था, लगातार 2 गोल्डन डक शिवम दुबे, और मुझे लगा खत्म सीएसके, क्योंकि सीएसके का बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट ऑन शिवम दुबे एंड ऋतुराज गायकवाड़, और दोनों एक ही ओवर में आउट हो गया है, मैच इधर से खत्म होने लगा था। अब 9th ओवर डाला था हर्षल पटेल, एक स्लोअर डिलीवरी और डेरेल मिचेल एलबीडब्ल्यू। अगर आप उस अपील आउट को देखो तो ऐसा लगता है कि शायद बॉल नेकेड से, तो यही लग रहा था कि शायद बॉल लेग स्टंप को मिस करता, लेकिन अंपायर ने आउट दिया, और रिव्यू पे ऐसा लगा कि थोड़ा सा टच करके जा रहा है, और अंपायर डिसीजन के साथ गया है, लेकिन थोड़ा सा अनफेयर तो था डिसीजन, ऐसा लग नहीं रहा था कि आउट है। पंजाब के साथ लास्ट मैच पे भी हमारा यही प्रॉब्लम था कि मिडिल ओवर पे रन ही नहीं बना था, लास्ट मैच पे 9 ओवर्स पे 47 रन आया था मिडिल ओवर पे, और बहुत सारे विकेट भी गए थे और बाउंड्री भी नहीं आया था, और कल ऑलमोस्ट सेम हुआ है, 10th ओवर 3 रन, 11th ओवर 11 रन आता है, 12 ओवर 9 रन, 13th ओवर सैम करन डालने आता है, एक बैक ऑफ द हैंड स्लोअर डिलीवरी डालता है मोइन अली को, मोइन अली कैच आउट, इस ओवर में सिर्फ 9 रन आता है, 14th ओवर पे सिर्फ 6 रन, 15th ओवर पे सिर्फ 8 रन, लास्ट 9 ओवर पे सिर्फ 57 रन और 4 विकेट। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है मिडिल ऑर्डर पे सीएसके का, लास्ट मैच पे सेम, इस मैच पे सेम।
मतलब 54 बॉल्स 57 रन्स मिडिल ओवर पे और 4 विकेट। 16th ओवर डालने आते हैं राहुल चाहर और सेंटर को आउट कर देता है। 16th ओवर के बाद सीएसके का स्कोर होता है 122 for 6। और अब बैटिंग करने आता है शार्दुल ठाकुर। आप सोचोगे कि 4 ओवर अभी भी बाकी था, शार्दुल ठाकुर को क्यों भेजा, धोनी को भेजना चाहिए था। लेकिन साफ साफ ये बात है कि धोनी स्पिन को अच्छा खेलता नहीं है, अभी उम्र हो गया है, वो क्रिकेट लगातार खेलता नहीं है और उनके रिफ्लेक्सेस बहुत ही वीक हो गया है और वो बॉल को देख के तो पिक नहीं कर सकता, बॉल को हाथ से देख के वो पिक तो नहीं कर सकता। हमने लास्ट कुछ सालों में देखा कि धोनी स्पिन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। वरुण चक्रवर्ती ने उनको विकेट बहुत बार लिया है, राशिद खान ने उनको बहुत परेशान किया, सुनील नारायण के अगेंस्ट वो बाउंड्री नहीं मार सकता है। तो मुझे लगता है वो देख के ये डिसीजन तो सही था, क्योंकि शार्दुल बैटिंग कर सकता है, थोड़ा बहुत तो घुमा ही सकता है और ऐसे भी वो स्लो पेस था, धोनी भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। और ऊपर से राहुल चाहर का 1 ओवर अभी भी बाकी था और हरप्रीत बुमराह का 3 ओवर। अगर धोनी बैटिंग करने आते तो मैं लिख के दे सकता हूं कि सैम करन 2 ओवर तो स्पिन से करवा ही देता। अगर धोनी आ जाते बैटिंग करने 16th ओवर पे, एटलीस्ट और 2 ओवर सैम करन स्पिन को देते ही देता, क्योंकि धोनी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। तो मुझे लगता है कि शार्दुल को भेजना वॉज नॉट ए बैड डिसीजन, शार्दुल अच्छा खासा बैटिंग कर सकता है। 17th ओवर में शार्दुल ठाकुर सैम करन को एक चौका मारता है, एक छक्का मारता है। एक्चुअली वो छक्का नहीं था, इजी कैच था शशांक के लिए, बाउंड्री की बहुत अंदर कैच पकड़ लिया था, पता नहीं क्या हुआ, बॉल को फेंक के बाउंड्री के बाहर मारा है और 6 रन। 18th ओवर डालने आता है राहुल चाहर और उस ओवर में एक चौका एक छक्का आता है और उस ओवर में 13 रन आता है। अब 19th डालने आता है हर्षल पटेल, पहले बॉल पे जडेजा एक सिंगल लेके शार्दुल को देता है, दूसरा बॉल डॉट, तीसरा बॉल डॉट और चौथे बॉल पे शार्दुल ठाकुर बोल्ड। शार्दुल ठाकुर 11 बॉल 17 रन, गुड नॉक। ये 17 रन इस मैच के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब 5th बॉल खेल रहे थे एमएस धोनी और पहले ही बॉल पे बोल्ड, स्लोअर कटर था, ऑफ कटर जो डीप हो रहा था। और मैं कहता हूं कि स्लो पिच पे धोनी अभी बैटिंग नहीं कर सकता है और ये बात आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि और कितना मारेगा वो, उम्र हो गया 42, कहीं भी क्रिकेट प्रैक्टिस नहीं करता है, रिफ्लेक्स इतना वीक हो गया है, वो बस फर्स्ट बॉल को हिट कर सकता है, स्लोअर बॉल पे फंसेंगे। और जहां पे पिच स्लो है उधर हर्षल पटेल का कोई जवाब ही नहीं है, जहां पे पिच इतना स्लो है, इतना लो बाउंस है, उधर हर्षल पटेल बहुत डेंजरस हो जाता है। बेहतरीन बॉल था, ऑफ स्टंप पे जाके लगा, क्लीन बोल्ड। अब लास्ट ओवर डालना आता है अर्शदीप सिंह, उस ओवर पे 16 रन आता है, जडेजा एक चौका मारता है एक छक्का मारता है, लेकिन 4th बॉल पे एक नकल बॉल था, जडेजा पुल करने का ट्राई करता है और कैच आउट। लास्ट ओवर में 16 रन तो आ गया था, जडेजा 26 बॉल 43, ब्रिलियंट नॉक। बहुत दिन बाद मैंने जडेजा को एक मैच्योर्ड नॉक खेलते हुए देखा है, जहां भी वो 30-40 रन बनाता है उसका स्ट्राइक रेट बहुत ही स्लो होता है, वो राइट टाइम पे इनिंग्स को पिक नहीं करता है, लेकिन कल पहले अपने विकेट बचाया और राइट टाइम पे इनिंग्स को पिक किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि राइट टाइम पे इनिंग्स को पिक किया है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है कि वर्ल्ड कप से पहले जडेजा ने एक अच्छा इनिंग्स खेला है। लास्ट के 4 ओवर पे 45 रन आए और सीएसके का टोटल होता है 167, व्हिच वाज नॉट ए बैड स्कोर। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सीएसके लगातार विकेट गिनने के बाद भी सेंटर को भेज दिया, शार्दुल को भेज दिया, लेकिन एक इंपैक्ट प्लेयर रिजवी को नहीं भेजा, जो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट डिसीजन था, क्योंकि अगर रिजवी को हम पहले इनिंग्स पे यूज कर लेते, रन का तो पता नहीं वो कितना रन बनाता, शायद पहले बॉल पे भी आउट हो सकते, लेकिन सेकेंड इनिंग्स पे हमारे पास सिमरजीत सिंह नहीं होता। अगर रिजवी को भेज देते तो सेकेंड इनिंग्स पे हमारे पास सिमरजीत सिंह नहीं होता, तो ब्रिलियंट डिसीजन कि रिजवी को नहीं भेजा गया। पंजाब के लिए राहुल चाहर और हर्षल पटेल ने बेहतरीन बॉलिंग किया है। सीएसके के लिए मैच जीतने के लिए रेगुलर बेसिस पे विकेट लेना बहुत ही जरूरी था और रन भी नहीं लिख कर सकते पावर प्ले में एटलीस्ट, क्योंकि हाँ इतना लो स्कोर डिफेंड कर रहे तो आप पावर प्ले में रन नहीं लिख कर सकते हो। अब ओपनिंग करने आते हैं प्रभसिमरन सिंह और जॉनी बेयरस्टो और पहला ओवर डालते सेंटनर, बस 2 रन। जो बंदा 2 साल तक बेंच कर रहे हैं वो पहला मैच खेलने आया है, पहले ओवर पे सिर्फ 2 रन देखे गए। तुषार देशपांडे आके जॉनी बेयरस्टो को बोल्ड कर देता है, बेहतरीन बॉल था, थोड़ा सा अंदर आया है, पैड पे लग के स्टंप पे चला गया। उसी ओवर के लास्ट बॉल पे रायली रूसो बोल्ड। आप तुषार देशपांडे के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं कि लास्ट पिछले साल भी शायद हमारे लिए हाईएस्ट विकेट टेकर तुषार देशपांडे ही थे, मुझे जितना याद है, लेकिन उसका इकोनॉमी बहुत हाई था, लेकिन इस साल उसका इकोनॉमी भी बहुत बेटर हो गया। अगर आप इस साल की इकोनॉमी देखो वो भी बहुत बेटर हो गया, विकेट भी ले रहे कॉन्स्टेंटली। पिछले मैच में भी
एसएनएच के साथ ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को विकेट पावर प्ले में वो लेके दिया था जो बहुत ही इंपोर्टेंट था, और कल भी जॉनी बेयरस्टो राइली रूसो का विकेट बहुत ही इंपोर्टेंट था और वो पहले ही चला गया। बस एक ही डर था कि आशुतोष और शशांक का विकेट हमें लेना है तो मैच हमारे हाथ में आराम से हो सकता है। अब थर्ड ओवर सेंटर सिर्फ 2 रन देता है, फिर से फोर्थ ओवर तुषार देशपांडे सिर्फ 5 रन, फिफ्थ ओवर शशांक रिचर्ड ग्लिसन के ओवर में थोड़ा बहुत मार लेता है और पावर प्ले के लास्ट ओवर पे देशपांडे 16 रन देता है। मतलब पहले 4 ओवर पे पावर प्ले में पंजाब का स्कोर था 16-2, लेकिन लास्ट के 2 ओवर पे 32 रन आ गया था जिसकी वजह से पंजाब का स्कोर पावर प्ले के बाद हुआ है 47-2, बट स्टिल सीएसके वॉज इन द गेम। हम थोड़ा सा भी रिलैक्स नहीं हो सकते क्योंकि विकेट लेना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली शशांक सिंह का। सेवेंथ ओवर डाल रहा था जडेजा सिर्फ 9 रन, एट ओवर डाल रहा था सेंटनर सिर्फ 6 रन और शशांक सिंह का बहुत बड़ा विकेट। शशांक सिंह लॉन्ग ऑन क्लियर करने का ट्राई करता है, कैच आउट। नाइन्थ ओवर में जडेजा प्रभ सिमरन सिंह को आउट कर देता है, प्रभ सिमरन सिंह लॉन्ग ऑफ को क्लियर करना चाहता है राउंड। पंजाब के बैट्समैन अगर थोड़ा मैच्योरली स्लो इनिंग्स विकेट को रोक के खेलते तो शायद ये मैच जीत सकते थे, लेकिन ज्यादातर बैट्समैन बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हुआ है। अब 10th ओवर डाला था सिमरजीत सिंह, और कल मुझे अगर सबसे ज्यादा किसी ने इंप्रेस किया वो है सिमरजीत सिंह। 18 मंथ्स बाद वो खेलने आया है और जो बॉलिंग किया है, इतना ज्यादा मूवमेंट मिल रहा था उसको। जितेश शर्मा को गोल्डन डक पे आउट किया है और 145-144 कंसिस्टेंटली हिट कर रहा था, कंसिस्टेंटली। मैं सोच रहा था कि इतने दिन हम दीपक चार को क्यों खिला रहे थे, हम सिमरजीत सिंह को खिला लेते, बहुत लेटरल मूवमेंट भी मिल रहा था उसको। सिमरजीत सिंह अपने दूसरे ओवर में ऑलमोस्ट आशुतोष को आउट कर देता है, आशुतोष पुल करने जाता है, पेस से बीट हो गया था और इजी कैच था मोइन अली के लिए, लेकिन मोइन अली ड्रॉप कर देता है। 13th ओवर के फर्स्ट बॉल पे जड्डू सैमकरण को आउट कर देता है, सैमकरण फिर से बड़ा शॉट खेलने का ट्राई करता है आउट। उसी ओवर पे आशुतोष अगेंस्ट द स्पिन मिड विकेट की तरफ खेलने का ट्राई करता है आउटसाइड एज और इजी कैच। मतलब पंजाब के ज्यादातर बैट्समैन बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हुआ है जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी इस पिच पे, क्योंकि इस पिच पे स्पिनर्स को बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद मिल रहा था। तो शायद आप रोक के थोड़ा सा मैच्योर इनिंग्स खेल लेते तो आप एटलीस्ट आसपास तो पहुंच जाते। 15th ओवर के बाद पंजाब का स्कोर होता है 91 for 8 और मैच ऑलमोस्ट खत्म हो गया था इधर, ऑलमोस्ट खत्म। अब 3 ओवर बाकी था और 3 ओवर में 56 रन चाहिए था, तब शार्दुल अपना पहला ओवर डालने आते हैं। आप सोचो 18th ओवर शार्दुल ठाकुर का कल फर्स्ट ओवर होता है और उस ओवर पे वो राहुल चार को बोल्ड कर देता है, उसके बाद तो मैच में कुछ बचा ही नहीं था। हर्षल पटेल थोड़ा बहुत ट्राई करता है, उसको भी सिमरजीत सिंह आउट कर देता है, बाकी कुछ पूरा कोलैप्स हुआ है पंजाब, पूरा कोलैप्स। शायद 167 बहुत बड़ा टारगेट लगा था पंजाब के सामने। सीएसके मैच एक तरफा 28 रन से जीत जाता है, एक तरफा, लेकिन पूरे बैटिंग लाइनअप पे अगर आप नजर डालो तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवम दुबे रुतुराज गायकवाड़ को छोड़ के कोई भी अच्छा बैटिंग नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ा सा जडेजा ने कॉन्फिडेंस दिया कि वो कर सकते हैं बड़े मैच पे, लेकिन अगर गुजरात के बाद मैं सच कहूं इस आईपीएल में सबसे खराब बैटिंग किसी ने किया वो है सीएसके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी टीम कर रहे 230-240 बहुत इंटेंस से खेल रहे हैं, सीएसके से उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला ही नहीं जा रहा है, पूरे आईपीएल में खेला ही नहीं गया सीएसके से उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट जिस ब्रांड बाकी टीम खेल रहे हैं। केकेआर, एसआरएच, दिल्ली भी बहुत सारे मैचेस में किया है, पंजाब ने किया है। तो थोड़ा सा पावर रेटिंग लैक है, हमारा पावर प्ले में बैटिंग हर एक मैच पे इससे प्रॉब्लम रहा है। रहाने का फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें जीतना है तो, और बहुत बड़ा कंसर्न है क्या पाथरेना वापस आएगा, मुझे नहीं लगता है, फीस भी गया है। क्या पाथरेना की जगह एक रिप्लेसमेंट लाएंगे सीएसके? अगर लाना है तो मैं चाहता हूं कि जॉस हेजलवुड को लाए, अगर पाथरेना पूरे आईपीएल से बाहर है तो मैं चाहता हूं कि सीएसके हेजलवुड को लेके आए, पहले भी हमारे लिए खेल चुके और बहुत एक्सपीरियंस है। सीएसके का आज तो अच्छा कर गया बॉलर्स, लेकिन हर एक मैच पे पिच से तो टर्न नहीं मिलेगा, हर एक मैच पे पिच में बॉल तो होल्ड नहीं होगा, तो कितने दिन हम सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर पे डिपेंडेंट रहेंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉलिंग को सॉर्ट आउट करें और बैटिंग भी थोड़ा अच्छा करें। जब आपको पता है कि आपके दो मेन बॉलर्स, तीन मेन बॉलर्स ऑलमोस्ट दीपक चहर, पाथरेना, फेस बाहर हो गए, तो बैट्समैन को थोड़ा एक्स्ट्रा रन बनाना पड़ेगा कि हमारे वीक बॉलिंग लाइनअप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि डिफेंड कर सके, तो बैटिंग थोड़ा सा करना पड़ेगा अच्छा। अभी जो सीएसके टॉप 3 में आ गए, लेकिन क्वालिफाई करेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। मतलब ज्यादा अच्छा क्रिकेट तो सीएसके ने नहीं खेला, टू बी वेरी ऑनेस्ट इस आईपीएल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।